दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि होम स्क्रीन ऐप लॉक कैसे खोलें। जैसे दोस्तों आप यहां पर देखेंगे, मैं अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी ऐप को तो मेरा जो ऐप है वो डिलीट नहीं होगा। जैसे मैं यहां पर अनइंस्टॉल पर क्लिक करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे होम स्क्रीन लॉक दिखा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इस ऐप को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके कहीं दूसरी जगह ले जाऊँ तो ये दूसरी जगह भी नहीं जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों मेरी स्क्रीन पर एक लॉक लगा हुआ है, अगर आपकी स्क्रीन पर भी ये लॉक लगा हुआ है तो आप इसे कैसे खोलेंगे। इसको खोलना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसको खोलने के लिए दोस्तों आपको अपने होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें दोस्तों आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको सबसे लास्ट में सेटिंग का एक आइकन दिखाई देगा, यहाँ पर मोर लिखा हुआ है। और आप हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर सेटिंग लिखा हुआ हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉक होम स्क्रीन लेआउट, यहाँ से ये ऑन हो रहा है, आपको यहाँ से ऑफ़ करना है। जैसे आप ऑफ़ करेंगे इसके बाद आप यहाँ से वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद दोस्तों जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी ऐप को डिलीट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर फेसबुक को अनइंस्टॉल किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन आ गया है। लेकिन पहले यहाँ पर अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, पहले यहाँ पर होम स्क्रीन लॉक दिखा रहा था। अगर मैं यहाँ से इसे डिलीट करूँगा तो यहाँ पर बड़ी आसानी से ये फेसबुक हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से होम स्क्रीन लॉक को हटा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से करना, और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल या मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो तो चलते हैं फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।